द नेक्स्ट प्लांट रेगुलेटर इज इथाइलिन, जिसकी डिस्कवरी जो है कॉजन ने की थी, एंड इट इज इट्स डिस्कवरी इज कंफर्म्ड बाय द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपन्ड ऑरेंजेस दैट हेस्टन द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपन्ड बनानास। क्या हुआ था, ये चांस डिस्कवरी है, सारे के सारे हॉर्मोन्स जो है वो डिस्कवर चांस भी किए गए हैं। उसके अंदर क्या देखा गया था, ऑरेंजेस से कुछ ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट हो रहा था, जिसने इंक्रीज कर दिया प्रोसेस ऑफ बनानास राइपनिंग। जो उनके साथ अनराइपन्ड बनानास पड़े थे उनको भी फ्रूट को राइपन करवा दिया। तो वो वॉलेटाइल केमिकल जो था, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो था, वो इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज इथाइलिन। बिकॉज इथाइलिन इज अ गैस, इसलिए हम इसको गैसियस हॉर्मोन भी बोलते हैं। इसकी जो मेन प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज अंडर द स्ट्रेस्ड कंडीशन। अगर कोई टिश्यू स्ट्रेस्ड कंडीशन में है तो वो इथाइलिन को प्रोड्यूस करेगा। एंड एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस के टाइम पर भी इथाइलिन की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है बिकॉज इथाइलिन इज अ इनहिबिटरी हॉर्मोन। और राइपनिंग के टाइम पर भी इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इथाइलिन का, इट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। दिस इज दी टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, दो कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। जो मेन फंक्शंस हैं इथाइलिन के, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इथाइलिन, फर्स्ट इज फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को पकने में, उसके राइपनिंग प्रोसेस के अंदर उसको स्टिमुलेट करता है। इट ऑल्सो एनकरेजेस लीफ एंड फ्लावर सेनेसेंस, दैट मीन्स उनको, लीव्स को और फ्लावर्स की शेडिंग को, उनकी डेथ को एनकरेज करता है, बिकॉज इट इज इनहिबिटरी हार्मोन, उनके अंदर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। एंड इट ऑल्सो एनकरेजेस द लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन, एट द सेम टाइम उनकी डेथ के साथ साथ उनकी एब्सिशन, दैट इज ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द लीफ एंड फ्लावर को भी प्रमोट करता है। एंड फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोनोएसियस स्पीशीज, एंड इट प्रमोट्स द फीमेल फ्लावरिंग। हम मैंने पहले भी बताया था, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन की इंडक्शन करवाते हैं, अगर वो हार्मोन इथाइलिन है, तो वो मेनली फीमेल फ्लावर्स को ही प्रोड्यूस करेगा, नॉट एनी काइंड ऑफ मेल फ्लावर उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम इथाइलिन या अदर हार्मोन्स की इंडक्शन करके किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करवा सकते हैं। देन द एपिनेस्टी प्रोसेस को भी ये प्रमोट करता है, दैट इज द डाउनवर्ड कर्वेचर्स ऑफ द लीव्स। आपने देखा होगा समटाइम लीव का जो टिप पार्ट है वो कर्व्ड हो जाता है, वो कर्लिंग प्रोसेस जो आता है, डाउनवर्ड कर्विंग कर्व प्रोसेस जो मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस जो लीव्स के अंदर आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एपिनेस्टी, जो कि इथाइलिन की वजह से स्टिमुलेट किया जाता है। Then it also initiates the stem elongation and buds development. इथाइलिन जो है वो बर्ड्स की डेवलपमेंट में और सेल की या स्टेम की इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्लावरिंग। इथाइलिन इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, बट प्रमोट्स इट इन फ्यू प्लांट सच एज पाइनएप्पल, ब्रोमेलिडियंस एंड मैंगो। कुछ प्लांट्स के अंदर इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, और मैक्सिमम ऑफ द प्लांट्स जो है उनके अंदर फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द इथाइलिन। थैंक यू।